केस बंद कर लिया। उसके बाद भी भाई ईयरबड्स कनेक्टेड है फोन से, गाने वाने बज रहे हैं ईयरबड्स के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है चलो बताते हैं। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आती रहती हैं ईयरबड्स में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। तो शुरू में एक चीज बताते हैं यार कि जब भी ईयरबड्स को ना रखा करो तो रखा करो, ऐसे फेंका मत करो केस में रख के। क्या होता है जब आप थ्रो करते हो TWS वगैरह को, तो यहाँ पे होता है मैग्नेट, ठीक है। अगर ये जब मैग्नेट जब सटता है तभी ईयरबड्स ऑफ होते हैं, और ये जो ईयरबड्स होते हैं जब ये अच्छे से टकिन रहते हैं तभी वो डिस्कनेक्ट होते हैं। तो भैया हमेशा ऐसे प्यार से रखा करो, जहाँ रखा करो ऐसे फेंका मत करो, ताकि इनकी लंबी उम्र बनी रहे और आपके साथ लंबे समय तक टिके रहें, समझ रहे हो ना। अगर मान लो आपके जो ईयरबड्स हैं, सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जब तक यहाँ पे अंदर केस पे कनेक्टेड नहीं होंगे ये बर्ड्स डिसकनेक्टेड नहीं होंगे। और बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि केस में जो ये मैग्नेट होता है वो यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे टच होता है तब ईयरबड्स डिसकनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से नेक बैंड्स वगैरह में भी होता है कि भाई जब आप ये मैग्नेट दो जोड़ते हो तब जाके ये ऑफ होते हैं, अगर मैग्नेटिक ईयरबड्स वाले हैं तो। होता क्या है दोस्त कि ये सही से फंक्शन करना बंद कर देता है, या फिर आपकी जो ईयरबड्स हैं ये यहाँ पे गंदे रहते हैं, उसकी वजह से भी होता है कई बार। अलग अलग ईयरबड्स अलग अलग फीचर होते हैं, तो यहाँ पे कोई कॉमन मत कर देना भैया यहीं से बंद होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सबके अपने फंडे हैं। तो इसको जब आप यहाँ पे रखा करो तो हमेशा प्रेस करके रखा करो ईयरबड्स को, कोशिश यही करा करो चाहे वो कोई भी ईयरबड्स हो, जब आप प्रेस करके रखते हो तो अच्छे से वो चार्जिंग होते हैं, पहली चीज तो चार्जिंग इशू नहीं आने वाले। अगर सही से कनेक्ट चार्ज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे हल्का हल्का साफ सफाई कर दिया करो तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जहाँ पे चपक जाएंगे अच्छे से चार्ज होंगे। और उसको जब बंद किया करो तो अच्छे से एक बार ऐसे प्रेस करके रख दिया करो, फेंका मत करो। जो लोग ऐसे नहीं फेंक देते हैं या फिर कुछ करते हैं तो हल्का सा भी लूज हो जाएगा ना किसी किसी ईयरबड्स में, तो वही वो कनेक्टेड ही रहते हैं। तो ये दिक्कत आती है आपके ज़्यादातर ईयरबड्स को फेंकने वेंकने में, इधर उधर करने में, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कोशिश हमेशा यही किया करो जब भी ईयरबड्स रखो केस रखो तो हल्का सा प्रेस करके रखो ताकि वो डिसकनेक्ट हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके ईयरबड्स वगैरह नहीं सही से ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब भैया आपने उनके साथ कुछ ना कुछ तो किया है, मतलब इधर उधर फेंका वेंका है अच्छे से, तभी उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक लूज वगैरह हो गया है जिसकी वजह से वो डिसकनेक्ट नहीं हो रहे हैं। बाकी यार यहाँ पे अगर वीडियो आपको हल्की से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना यार, और यहाँ पे जितने भी रिव्यूज आते हैं सबके सब अनबायस होते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हम खुद अपने पैसों से बाय करते हैं तब रिव्यू करते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कॉन्टेंट के साथ और भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।